हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र के मतियमंग गांव में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद पूरे इलाके को सैनिटाइजेशन व स्क्रीनिंग के कार्य के लिए सील किया गया है। इलाके में गश्त पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को बाहर घूमने से मना किया तो लोगों ने चौकी इंचार्ज राघवपुर मोइन अहमद खान समेत 3 सिपाहियों पर किया जानलेवा हमला, जिसमें एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। सीएचसी मल्लावा में चल रहा इलाज। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सभी के विरुद्ध मुकदमा लिख गया है। 04 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ करी जा रही है। मटिया मऊ गांव के करीमपुरवा मजरे में यहां 2 कोरोना मरीज यहां आसपास के एरिया में मिले थे, जहां इनको हॉटस्पॉट एरिया घोषित किया गया था। 2 दिन से यहाँ सैनिटाइजेशन एवं हेल्थ वर्कर्स के द्वारा स्क्रीनिंग इत्यादि का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पुलिस की ड्यूटी तैनात थी। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो बिना कारण बाहर घूम रहे थे, उनको जब रोका टोका गया तो उन्होंने पुलिस से उलझने की कोशिश की, और जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के एक कर्मी की को साधारण चोटें आई हैं। इस प्रक्रिया में हम लोगों ने अभी मुकदमा दर्ज करके 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेके पूछताछ शुरू कर दी है। आगे विवेचना जारी है। इन सभी के खिलाफ आगे सख्त से सख्त कार्रवाई आगे की जाएगी।